हेलो दोस्तों, प्लैंड पर कंपनी का 226 हेमंड ड्रिल मशीन। ये मशीन का लेफ्ट राइट जो स्विच है ना, वो ख़राब हो गया है, तो हमें वो स्विच को रिपेयर करना है। ये मशीन 2 साल से यूज़ कर रहा है, तो ये मशीन सिर्फ ड्रिलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए मशीन अभी तक चल रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस बंदे का मशीन है वो खुद बोल रहा था, इसमें टूल होल्डर सेट भी हम चेंज नहीं किए हैं, मशीन कुछ भी ख़राब नहीं था। ये स्विच कभी कभार पकड़ रहा है, कभी कभी नहीं पकड़ रहा है, तो ऐसे करके भी मशीन को चला रहा था। आज मशीन बिल्कुल बंद हो गया है, चल ही नहीं रहा है, इसी वजह से मशीन को रिपेयर करने के लिए लेके आया है। तो हम खोल के देखेंगे, इसमें पत्ती ख़राब रहेगा तो हम चेंज कर देंगे। इसमें पत्ती ख़राब होने से इसमें ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो ख़राब होने का वजह क्या होता है, हम बड़े से स्विच को लॉक नहीं करते, थोड़ा सा घुमाने के बाद हम इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें ज़्यादा मशीन ख़राब होता है। आप इसमें हैमर से काम करोगे ना, जैसे आपको किसी सामान तोड़ना है, आपको वायरिंग कर रहे हो, उसमें आपको प्लास्टर को तोड़ना है, ऐसे कुछ काम के लिए ज़्यादा यूज़ करोगे ना, जल्दी जल्दी मशीन ख़राब हो जाएगा। आपको ऐसे यूज़ करना है तो 5 किलो जो हैमर मशीन है, 7 किलो हैमर मशीन है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो मशीन उसी काम के लिए तैयार किया है। तो देखिए, इसमें जो पत्ती है ना ख़राब हो गया, देखिए पत्ती एक साइड से ख़राब हो गया, दोनों साइड ठीक है तो एक साइड जल गया है और होल्डर भी ख़राब हो गया है, तो होल्डर चेंज करना है। आपको ऐसे किट खरीदने को मिलता है, होल्डर आएगा 2 पत्ती और अंदर वाला 2 क्लिप एक साथ दिया रहता है, कार्बन भी एक सेट मिलते हैं। तो आपको टोटल किट को आप चेंज कर देंगे ना, मशीन का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास किट नहीं है, ख़त्म हो गया, तो मशीन को रिपेयर करना है। मेरे पास कभी कभी जो मशीन हम रिपेयर करते हैं उसी का कुछ सामान हम रख लेते हैं, किसी का काम कर सकते हैं, इसी वजह से मेरे पास एक होल्डर रखा हुआ है, ये भी पुराना है, तो होल्डर का स्प्रिंग थोड़ा ख़राब है, तो जो होल्डर मैंने अभी खोले हैं उसी का स्प्रिंग इसमें हम फिटिंग कर लेते हैं। तो मशीन को हमें ठीक करके देना है। थोड़ा हम फास्ट में एक काम को कर लेते हैं, दोनों स्प्रिंग हम बाहर कर लेते हैं, कार्बन कार्बन का स्प्रिंग दोनों बाहर कर लेते हैं। तो होल्डर के साथ हम स्प्रिंग को सेट कर लेते हैं। बढ़िया से सेटिंग हो गया, हम आपको सेटिंग होने के बाद दिखाते हैं। देखिए मैंने सेटिंग कर लिया है, स्प्रिंग भी बढ़िया से काम को हो रहा है, जो ख़राब था अभी वो चेंज करने के बाद ठीक हो गया है। तो इसमें 2 पत्ती ख़राब है, तो मेरे पास 2 पुराना पत्ती है, तो उसमें जो सही रहेगा वही हम चेंज कर देंगे। तो ये मार्केट में नया खरीदने को मिलता है, मेरे पास ख़त्म हो गया, तो हम रिपेयर करके इसको सेट कर लेते हैं। आप भी काम चला सकते हो ऐसे करके, सभी के पास हर वक्त सामान नहीं रहते हैं, तो आपको बढ़िया से रिपेयर करना है, पुराना वाला सामान को बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद आप भी फिटिंग कर सकते हो। कभी कभार ऐसा करके भी काम चलाना पड़ता है, तो आपके पास नया रहेगा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नया इसमें सेट कर लो, ठीक हो जाएगा। इसमें 2 पत्ती हम फिटिंग कर लेते हैं।
आपको इसे पेस्ट करके आपको पति को सेट कर लेना है। धीरे धीरे करके आपको पत्ती को पेस करके बैठा रहना है। तो आपको कार्बन के साथ जो स्प्रिंग फिटिंग रहता है, कार्बन को आपको दोनों हाथों से पेस करके रखना है। हाथ दोनों साइड के दोनों जो स्प्रिंग होता है वो भी मिडिल पे आपको रख के थोड़ा पुश करने से बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया है। कभी कभार लॉक नीचे आ जाता है, आपको लॉक भी सेट कर लेना है। देखिए काम हो रहा है। तो भी अभी कनेक्शन डालने के बाद हमें टेस्ट करके देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले सीरीज में हम टेस्ट करेंगे, तो आपको खोल के थोड़ा सावधानी से उसको टेस्ट करना है। तो आपको कवर पहना के भी आप टेस्ट कर सकते हो। एक साइड से घुमाने से इसमें कनेक्शन आ रहा है, दूसरे साइड से नहीं आ रहा है। देखिए पत्ती का दोनों साइड का सामने वाला हिस्सा थोड़ा हाथों से पेस करके रख के आपको थोड़ा ऊपर उठाना है। तो ऐसे करने से पत्ती टच होता रहेगा, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। हम ऐसे करके थोड़ा ऊपर उठा रहे थे, दोनों साइड का जो आगे वाला हिस्सा है ना दोनों पत्ती का, पहले काम नहीं हो रहा था, अभी काम करने लगेगा। हम आपको करके दिखा देते हैं। आपको धीरे से थोड़ा पेस करना है, कभी कभार ये ज़्यादा पेस करने से टूट भी जाता है। तो हम सेटिंग कर लेते हैं। बढ़िया से सेटिंग हो गया है। जो लॉक है ना कभी कभार नीचे चला आता है, तो लॉक को आपको लॉक कर लेना है। लॉक बढ़िया से काम हो रहा है। तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं स्विच को फिटिंग करने के बाद। प्लाट आप लोग प्लाट।